हे गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लुकस मिक्स लैंग्वेज ब्लॉग। तो गाइस, आज बहुत ही गर्मी पड़ रहा है और आज अभी हम लोग जाने वाले हैं बर्ड सेंचुरी वगैरह घूमने के लिए। तो थोड़ा बोर लग रहा था रूम में रह के, तो अलग बोला के चलो घूम के आते हैं करके। तो पता नहीं कौन सा बर्ड सेंचुरी, मैं भी नहीं देखा, तो जाके देखते हैं बर्ड सेंचुरी कौन सा बर्ड सेंचुरी है। तो आप लोगों को भी दिखाने में कोशिश करेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो मैसूर में पता नहीं कहाँ है वो बर्ड सेंचुरी, मुझे भी नहीं पता, तो वो मेरे लिए भी नया जगह होगा। तो चलिए गाइस, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बने रहिए और आप भी देखिए बर्ड सेंचुरी। और यहाँ बैग में कैमरा वैमरा ले लिए हैं। बैग में कैमरा वैमरा रख लिए हैं, उसके बाद में मैं कुछ खाया भी नहीं, तो बाहर जाके कुछ खा लेते हैं, भात वगैरह कुछ खा लेंगे, उसके बाद में बस पकड़ेंगे, उसके बाद में बस से चलते हैं। अब पे एक दुकान खुला है, जो होटल है वो खुला है, ढाबा जैसा ही छोटा सा, मतलब ठेला वाला, तो वहीं पे कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद में निकलते हैं। तो खाना वाना खा लिया, अभी खाना वाना खा लिया, अभी इधर बस के लिए बैठा हुआ, यूजुअल मतलब इधर ही आके बैठता हूँ। ठंड हवा आता है तो यहीं पे बस का वेट करते हैं, बस आएगी तब चलते हैं। One eternity later. Finally guys, मेरा पर्स आ चुका है इतना देर के बाद। Finally guys, मैं अभी पहुंच चुका हूँ DFRL और आलोक भी आ गया है। किधर जा रहे हैं पता नहीं, वो तो डायरेक्ट जा रहे हैं उधर ही। फिलहाल अभी हम लोग पहुँचने वाला ही है बर्ड सेंचुरी, और ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद में हम लोग पहुँच जाएंगे बर्ड सेंचुरी। गाइस, वो जो अपनी अभी जो मेन हाईवे जो बना है, वो जो ओपनिंग हुआ है पहले, तो उस हिसाब से अगर आप इस बर्ड सेंचुरी पे उस हिसाब से अगर आप लोग इस बर्ड सेंचुरी पे आना चाहते हैं, तो वो वाला गूगल पे फॉलो मत करिएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बर्ड सेंचुरी और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना एंट्री। कितना ले रहे हैं? पार्किंग
ಅಕ್ಕಡಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. गिरा दे गिरा दिया था इसको गाइस, काफी बढ़िया जगह है ये वाट चेंजर, देखो कितना अच्छे से सब सजाया हुआ है, कितना मस्त है। ये सब हकीकत का बर्ड्स नहीं है, बर्ड्स अंदर है, तो ये जो शौक के लिए लगाया हुआ है। देखो ये है पार्किंग एरिया, पार्क कर सकते हैं गाइस। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बर्ड सेंचुरी और हम लोग अपना जो स्कूटी है उसको पार्क कर रहे हैं, तो अभी किधर से जाना होगा पता नहीं, लेकिन स्टार्ट करेंगे जरूर। देखते हैं कितना अच्छा सुंदर सुंदर बर्ड सब है इधर, कितना प्रकार की प्रजाति बर्ड सब है, हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, फिलहाल अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कितना मतलब प्रजाति का मतलब इधर बर्ड सब है, बहुत सारा बर्ड्स है इधर। मैं भी पहला बार आ रहा हूँ भाई, पहले बार हम लोग मैं भी आ रहा हूँ, तो ये नया जगह है हम सबों के लिए, तो दिखाते हैं कितने प्रकार के प्रजाति मतलब इधर बर्ड्स सब है, चिड़िया सब है अंदर, बोटिंग भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं फिलहाल, और फोटोशूट वगैरह सब कुछ करेंगे। चलिए फिलहाल अभी देखते हैं, जैसे ही हम लोग घुसते हैं गाइस तो यहाँ पे इस तरफ का नज़ारा है मतलब एंट्री पॉइंट, तो यह है एंट्री पॉइंट और एंट्री पॉइंट में इस तरह का नज़ारा है, तो यहाँ पर लिखा है डॉक्टर सलीम अली इंफॉर्मेशन सेंटर, और इस तरफ ऐसा नज़ारा है। इतना तो नशे भी फूटा है सच में, कितना अच्छा से कैमरा वैमरा चार्ज कर लिया था, DSLR का चार्ज वर्च कर लिया था, सोच रहे थे कि मतलब अंदर आके मस्त से फोटो वोटो लेंगे, कितना अच्छा अच्छा जगह सब है पूरा अंदर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह सब है, स्पॉट सब है, लेकिन हम लोग फोटो क्लिक कर सकते थे, लेकिन ये जो DSLR है हम लोग 300mm का है, इसका लेंस 300mm का है, 300mm का है, तो उसका 600 rupees, अगर 200 के नीचे है, अगर 200 है 200 के नीचे है तो 150, अगर 200 के ऊपर है तो 600, और हम लोग का है 300 का, लग गया एल लग गया हम लोग, अभी वैसे ही करेंगे देखते हैं। चलिए तो गाइस, तो यहाँ से हम लोग टिकट लिए, हाँ वही बोल रहे तो वहाँ से हम लोग टिकट लिए एंट्री किए, और ये वाला स्पॉट है इधर का 360 राउंड, दिखा देते हैं एक बार, ये वाला इसका राउंड है, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो भी दिखाई देते हैं गाइस, जो भी हम लोग देखने को मिलते हैं हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, कितना अच्छा अच्छा जगह है, देखो नहीं सब फोटो सब लेने के लिए, वाह मतलब बोलो ही मत, फोटोग्राफी करने का मस्त जगह है, आएंगे कभी पैसा होने से 600 रुपये दे के फोटो सिर्फ लेने के लिए। तो यहाँ से स्टार्टिंग है गाइस, स्टार्टिंग, और यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है सारे बर्ड्स का, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस फटाफट फटाफट। तो जैसा कि हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक मस्त व्यू है गाइस, ये वाला देखो, फोटो लेने के लिए क्या मस्त मस्त स्पॉट है गाइस, बोलो ही मत। अबे किधर चला गया आलोक? तो गाइस यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, व्यू मतलब एक टावर है, व्यू टावर है, तो वो व्यू टावर में भी उठ के हम लोग चढ़ के, सबसे पहले तो ये जगह देखो गाइस, कितना मस्त मस्त मतलब फोटो शूट लेने के लिए कितना बढ़िया जगह है। और गाइस ये है वो लेक जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स सब है गाइस, देखो बहुत सारे बर्ड्स सब है, लेकिन जूम नहीं हो पा रहा है ठीक से, देखो बहुत सारे बर्ड्स सब है गाइस, काश DSLR कैमरा अंदर ला पाते गाइस, तब अच्छा से जूम करके फोटो वाटर ले सकते थे, मस्त से वीडियो भी बना सकते थे।
लेकिन क्या करें, हम लोग गरीब, हमें गरीब, ये गरीब, सभी गरीब अंदर नहीं आ पाए। तुझे बोला भाई गाइस, यहाँ पे एक वॉच टावर है, तो उस पर चढ़ के देखते हैं कैसे नजर आता है। चलो, बंद है। अरे सॉरी गाइस, ये वॉच टावर बंद करके रख दिया, पता नहीं क्यों। हाँ, देख नहीं रहे थे क्या होगा। ओ भाई, यहाँ देख गाइस, नीचे देखो क्या मस्त जगह है भाई फोटो वोटो लेने के लिए। लेकिन नीचे जा नहीं पाएंगे। मछली देखो, मछली 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 मछली, सच में बड़ा सा वो देखो, देखो देखा, तैर रहा है भाई मछली वाली सब। तो गाइस, इस जगह से हम लोग अभी व्यू देख के आ गए, तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं इस तरफ, जो ये लेक है, तो इस लेक के सीधा सीधे इस तरफ से हम लोग जा रहे हैं। और सच में गाइस, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कैमरा को, काश ले पाते। काफ़ी बढ़िया जगह है गाइस, देखो अपना व्यू देखो इस। और वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पर देख सकते हैं गाइस, मुझे व्हाट्सएप उधर है। यहाँ से क्या मस्त जगह है, इसका व्यू देखे तो पागल हो जाए। और यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया फोटो शूट लेने के लिए जगह सब है। और यहाँ पे अगर आप बच्चे लोगों के साथ आ रहे तो चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है इधर, बच्चे लोगों का खेलने का जगह, तो मस्त है इधर, बच्चे लोग खेल भी सकते हैं वाला स्पॉट में। लेंगे गाइस, वहाँ बर्ड्स देखो, दिखाता हूँ जूम करके, कितना जूम होता है पता नहीं। वो जो फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो जितना भी सब बर्ड्स है गाइस, पूरा भर भर के बर्ड्स हो रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो भी बर्ड्स है ना, सब यही सिर्फ बर्ड्स है, यही वाला, दूसरा बर्ड्स नहीं मिले, बर्ड सेंचुरी का नाम दिया, लेकिन बर्ड सिर्फ यही वाला बर्ड्स है। तो इसका जो नेम है पैंटर स्ट्रॉ करके, नेम साइंटिफिक नेम, पैंटर साइंटिफिक नेम क्या है इसका, जो भी है पेड लो, हम लोग मिस्टेक हो सकते हैं। ये यहाँ से मस्त व्यूज है जो भी बोलो, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे भाई एक मस्त ले रहा है फोटो वगैरह वीडियो वगैरह, तो काश हम भी ले पाती। भाई उन लोग खाना यही सब है ना। अबे इधर ला के डालते होंगे ना इन सबों के लिए, पालते होंगे बहुत सारे मछली सब, ये सब चिड़िया सब खाते। बहुत सारा है, बहुत सारे तो बहुत सारे। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, पता है इतना अनगिनत बर्ड्स है, मतलब ये है पेंटेड स्टक बर्ड्स, अनगिनत मतलब कैमरा जो सब 4 लाख। और वो बंदा पूरा 6 रुपये दे के यही लंबा लेस लेके पूरा गाच 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 मार रहा है गाइस। और हम लोग चला छोटे लेस ही लेते, कैमरा 600 रुपया, 600 रुपये नहीं दे पाए। अगर लाना ही था ना तो लंबा सा लेके आना चाहिए था, मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस यहाँ पे है कुछ मार्केट वगैरह, बोटिंग और क्या क्या है दिखाते हैं गाइस।
गाइस यहाँ पे ये सब जितने प्रजाति है, ये सब प्रजाति का मतलब बर्ड सब देखने के लिए मिलता है इधर, लेकिन अभी तक फिलहाल हम लोग सिर्फ एक ही प्रजाति का बर्ड्स देखा, वो है पैंटेड स्टॉक। ये सारे बर्ड्स और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है। यहाँ पे आप लोगों कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और इधर कुछ कपड़े का दुकान, टॉयस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। वैसे चलो किधर चला गया। और यह है एक छोटा सा नज़ारा। और यहाँ पे है बोटिंग पॉइंट, यह है बोटिंग पॉइंट गाइस, तो यहाँ से हम लोग बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक बोटिंग पॉइंट है और बोटिंग पॉइंट से हम वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा कोटेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन, स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो अल्कोहल। तो सभी शॉप सब इस तरफ है, आप लोग कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे है बोटिंग पॉइंट्स, बोट्स वगैरह है इधर, आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग बैठा हुआ है गुमसुम से। चलेगा भाई बोटिंग पे? चलेगा, कितना लेगा? अबे टिकट थोड़ी ही इधर देगा, उधर से देना चाहिए, लेना चाहिए टिकट। यहाँ पे आके बोल रहे टिकट हम लोगों को उधर से ही लेना चाहिए था, अभी यहाँ थोड़ी ना टिकट देगा, अभी इतना गर्मी में कौन चल के जाएगा इतना दूर। तो काफी बढ़िया है गाइस बोटिंग वगैरह का सेटअप, मतलब अच्छा से बोट वगैरह कर सकते हैं आप लोग इधर। तो गाइस फिलहाल बहुत ही गर्मी पड़ रहे हैं और हम लोग आए हैं दोपहर को 1 बजे आसपास, इतना गर्मी पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी इस बोटिंग सेंटर से हम लोग जाते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं, उसके बाद में दिखाते कैसे एक बोट आ रहा है, मतलब बोटिंग पूरा घूम फिर के आ रहे हैं, देखते हैं इसका नज़ारा दिखाता हूँ गाइस। वहाँ से आके इस तरफ यहाँ का नज़ारा है मस्त, इस एंट्री हॉल फूल वगैरह लगाए हुए हैं और यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी मस्त कर सकते हैं। हम लोग भी कर सकते थे लेकिन औकात नहीं हुआ लाने के लिए, भाई इधर तक बटरफ्लाई है चलो इधर करते हैं। तो गाइस यहाँ से एक एंट्री है और यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, अभी वहाँ से फोटो ले सकता है सर। तो यहाँ पे गाइस तो आप लोग सर घुसा के अपना फोटो ले सकते हैं, देखते हैं आलोक का फोटो लेते हैं जा। तो गाइस ये रहा पापा का परा, फोटो ले रहा है तितली बन के, ततला ना हो जाना तू, तितली तो है ततला मत बन जाना, जा ऊपर जा। गाइस अभी देखते हैं वहाँ से सर घुसा के अगर फोटो लेने से कैसे आता है, देखते हैं। सर लगा उधर, अबे चीक अच्छा से लगा, चीक तेरा शोल्डर डाउन कर ऐसा करके दिखाई दे रहा है शोल्डर। हाँ तो ये गाइस देखो पापा का परा, अया बटरफ्लाई का ऐसा पोज करते हुए देखा है क्या? हे गाइस देखो इसको, देखो बटरफ्लाई ऐसा पोज करते हैं कोई। ये तो एडवांस वाला बटरफ्लाई है। गाइस अब इस बटरफ्लाई से निकल रहे हैं, निकल के आगे देखते हैं क्या है आगे भी, मस्त मस्त जगह सब है, सच में बहुत मस्त मस्त जगह है। एक बार आएंगे गाइस, एक बार आएंगे लेकिन सिर्फ फोटो सेशन के लिए आएंगे, इतना बढ़िया जगह है ना इधर फोटो लेने के लिए, सिर्फ फोटो के लिए ही आएंगे एक दिन, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके आएंगे अभी नहीं। गाइस यहाँ पे एक टावर पॉइंट है,
इस टावर पर मैं चढ़ के देखते हैं क्या नज़र आता है। चलिए इधर ऐसे यहाँ पर चढ़ के देखते हैं टावर पर से कैसा नज़र आता है। चल चल चल, ये तो खजूर का पेड़ है, तो ये आसमान से कूदा खजूर पे लगता। तो गाइस यहाँ पे पहली बार खजूर का पेड़ देख रहा हूँ मैसूर में। गाइस हम लोग ऊपर तो चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, लेकिन नज़ारा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो बम्बू है वो इसका जो बम्बू का बूस्टर जो वो सब पूरा आगे निकल आगे आ गया है। इसी के चलते हम लोग कुछ देखने को नहीं मिल रहा हम लोग, और गर्मी भी बहुत ज़ोर लग रहा है, थक भी गए। और गाइस मैसूर में पहली बार मैं खजूर का पेड़ देखा गया है इधर, वो भी इस बार सेंचुरी में खजूर का पेड़, पम ट्री। पैसा मेरे पास तो आलोक भिखारी हो गया अभी, सिर्फ 160 रुपये पैसा बचा है, वो भी 500 में से, वो भी 500 में से। तो यही मुझे घुमाने के लिए लेकर आया है। तो चले गए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ है नहीं, नहीं जगह है उसमें देखने के लिए भी जगह है। अच्छा पार्क है, दिखाते हैं पार्क है, जो पार्क भी है बहुत सुंदर है। चले तो वहाँ से, अच्छा इस तरफ ही है, देखो यहाँ का नज़ारा है मस्त, ब्रिज वगैरह, ब्रिज को दिखाता हूँ, ब्रिज तो एक सुंदर सा ब्रिज है जो हम लोग इस तरफ से जा सकते हैं, लोग उस तरफ से आ सकते हैं। यह हैंगिंग ब्रिज, अब ये हैंगिंग ब्रिज कुछ भी नहीं है, हम लोगों को उधर एक हैंगिंग ब्रिज है, ये तो कुछ भी नहीं हिल रहा है, वो तो हम लोगों का जो हैंगिंग ब्रिज है वो ऐसा 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 पूरा हिलता है, चढ़ भी नहीं पाओगे उधर, कितना साल पुराना वाला, टूटा फूटा होकर ठीक हो गया। तो ये ब्रिज, तो ये ब्रिज क्रॉस करके, ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरफ है, और यहाँ भी बर्ड्स 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 बर्ड्स। और यहाँ पे अच्छा से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा देर यहाँ पे बाम्बू के छाव में, अच्छी तरह से रेस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी जाता हूँ आलोक का जाता हूँ ना, कुछ ना कुछ चुचापत्ती करते रहता है, कुछ लोगों को देखा उनके पीछे पड़ गया, अभी आप लोग खुद ही समझ लो कौन लोग है, वो पीछे पड़ गया अभी, देखो पीछे पीछे। तो गाइस यहाँ पे एक पार्क है जो काफी शांत, काफी शांत, चिड़िया का अंडा फूट गया इधर ही। तो यहाँ पे कितना शांत हवा, कितना ठंड लग जाता है गाइस, अगर गर्म गर्म में बैठ गया तो कितना शांति लगेगा इधर, क्या पीसफुल जगह है गाइस, पूरा पीसफुल। गाइस गर्मी लग रहा है बहुत, तो यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं। और यहाँ पे एक तोता, कौन से कौन कौन चिड़िया है बता इधर से, ये है तोता, इसका नाम क्या है पता नहीं, ये भी चील जैसा लग रहा, पता नहीं क्या है ये पता नहीं, लेकिन सब खाते हैं तो मछली, ये घास खाता है, फूल वगैरह ना क्या, मतलब इसका साइन क्या है पता नहीं। आप लोगों को पता है इन चिड़ियों का नाम तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इस प्लीज। तो इधर थोड़ा देर बैठते हैं, उसके बाद में थोड़ा ठंडा होते हैं, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ मस्त से बैठने का जगह है, इधर बैठते हैं ठंडा होता है उसके बाद में जाते हैं। अभी कुछ खाने के लिए खा लेता है, कुछ है ही नहीं, क्या देंगे बोल, कुछ है तेरे पास देने के लिए, आजा 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 आजा, स्नैप ले स्नैप ले, आजा, कुछ भी नहीं है रे खाने के लिए, क्या दूँ मैं तेरे को। गाइस यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक मतलब बहुत ही नेचुरल जगह है, क्या ही बोले, मतलब फूल वगैरह, मतलब और ये फूल गाइस, ये फूल को कमेंट में बताएगा इसका नाम, नाम अबे कोई भी बताए, छोटा बच्चे बता लेगा इसका नाम, नहीं बता, बता क्या क्योंकि मुझे पता है नहीं, ये लोग पता चल जाएगा ना कमेंट सिस्टम में करिएगा, इसका नाम क्या है फूल का। गाइस दिखाते हैं, ये वाला जो फूल का पेड़ हम लोग उधर बहुत है, हाँ लेकिन इस तरफ काम दिखाई नहीं पड़ता है ये वाला। टिंग टिंग टिंग,
गाइस ये है एक बोटानिकल गार्डन और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे इस तरफ से हम लोग उस पार जा सकते हैं। मैं एक बार जाके आता हूँ इस पार। टूरिज्म मैं इस तरफ जाता हूँ और जगह उस तरफ और ये नज़ारा है। ये पानी देखो गाइस कितना अच्छा है जगह, कितना मस्त, क्या ही बोले। मतलब जितना भी जगह घूमा हूँ पार्क वगैरह, तो यहाँ पे आके कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ही शांति है, मतलब पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन आलोक पता नहीं कौन सा टेंशन में घूम रहा है इधर उधर इधर उधर। भाई तेरा टेंशन क्या है, बोल दो थोड़ा पब्लिक को। हाँ बोल दो भाई, मैं बताता हूँ इसका टेंशन क्या है। बोलो वो क्या भाई, पब्लिक सुनो, मैं इसका टेंशन बताता हूँ। भाई ये आलोक जो है पार्क में आया, ठीक है, पार्क में आया, दो लड़की को देखी थी, पसंद आ गया तो तभी से उन लोगों का पीछा कर रहा है ये। लेकिन मैं साइड हो रहा भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसा झमड़ा, पानी मुझे नहीं चाहिए सब झमड़ा। तो तब से घूम रहा है। और जब भी ये नज़दीक जाने की कोशिश करता है मैं साइड हो जाता हूँ, बस वही है। हाँ गांडू छोड़ो, मैं जो भी हो समझ लो मैं गांडू ही हूँ। तू है ना स्मार्ट बच्चा, किसी ने किसी से थप्पड़ खा लिया ना किसी लड़की से, तब पता चल जाएगा बेटा, काट दूंगा मैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग घूम चुम के ख़त्म कर चुके हैं ये जगह पूरा। तो अभी हम लोग पहले के जगह में ही आ गए जहाँ पे हम लोग एंट्री किए थे और पार्किंग किए थे अपना स्कूटी वगैरह। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जाते हैं हम लोग का बैग वगैरह लाने के लिए और बाहर ही इस तरफ सामने ही कुछ फ़ोटोशूट करेंगे, तो बैग लेने जाएंगे। चल बैग लेके आते हैं।